सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म स्प्लिट की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। तो डेफिनेटली ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, तो जिन लोगों ने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो पहले जाकर आप इस फिल्म को देख लीजिए, क्योंकि ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है। उसके बाद ही आकर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना आपका फिल्म देखने का मजा मैं पूरी तरीके से खराब कर दूंगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, स्प्लिट फिल्म की कहानी है जेम्स मैकवी के कैरेक्टर केविन की, जिसकी अलग अलग टोटल 23 पर्सनैलिटी है। और यहाँ पर केविन देखरेख में है डॉक्टर कैरिन के, और हफ्ते में एक बार केविन को डॉक्टर कैरिन के पास आना पड़ता है ताकि वो ये चेक कर सके कि केविन बिल्कुल ठीक है या नहीं। लेकिन जब भी केविन डॉक्टर कैरिन से मिलने जाता है तो वो वहाँ पर केविन नहीं बल्कि बैरी बनकर जाता है, जो सिर्फ पेशेंट्स की ही बात करता है। और सभी पेशेंट्स में डॉक्टर केविन का सबसे खास पेशेंट्स है केविन, क्योंकि केविन 10 साल से एक ही जॉब कर रहा है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह। बाकी डॉक्टर कैलिन के जितने भी पेशेंट्स हैं, वो अभी भी अपना इलाज ही करवा रहे हैं, और वो लोग सही तरीके से अपने जॉब पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी के मामले में केविन सबसे बेस्ट है। लेकिन अब कुछ अजीब होने लगा है, ये बात डॉक्टर केविन को काफी आसानी से समझ आ जाती है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि फिल्म में हमें केविन की पूरी 23 पर्सनैलिटी नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर ज्यादा फोकस किया गया है डेनिस, पैट्रिशा, एडविंग और बैरी, लेकिन फिल्म में ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ तीन ही कैरेक्टर पर किया गया है, जिनके मैंने आपको स्टार्ट में तीन नाम बताए। और उसके बाद बचा कैम्बल और ऑरविल, इन दोनों कैरेक्टर को हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाया गया है। बाकी की पर्सनालिटी के सिर्फ और सिर्फ नाम ही थे फिल्म में, जिन पर इतना ज्यादा हम फिलहाल के लिए फोकस नहीं करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया फिल्म में ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ तीन ही कैरेक्टर पर किया गया है। और ये तीन कैरेक्टर फिल्म में इसलिए ज्यादा दिखाए गए हैं क्योंकि अब ये इनमें से एक पर्सनालिटी की कमांड मानते हैं, यानी इन 23 पर्सनालिटी की एक लीडर भी है जिसका नाम है पैट्रिशा। तो पहले बात करें बैरी की, तो बैरी काफी खुले मन का है, उसकी सोच बहुत ही अलग है क्योंकि उसे अपना करियर एक फैशन में बनाना है, और ये बात पैट्रिशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए बैरी की पर्सनालिटी धीरे धीरे गायब हो गई है, और बैरी मदद मांगने की भी कोशिश कर रहा था डॉक्टर कैलिन से, उन्हें मेल कर। लेकिन जब केविन डॉक्टर कैलिन से मिलता है तो वहाँ पर कुछ अजीब है, और ये चीज डॉक्टर कैलिन काफी आसानी से नोटिस कर लेती है, क्योंकि बैरी के कैरेक्टर में थोड़े चेंजेस आ गए थे। बैरी को अब फैशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो अब स्केचेस भी ज्यादा नहीं बनाता था, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर कैरिन को थोड़ा सा डाउट होता है। और डॉक्टर कैरिन बस एक अंदाजा लगाकर केविन को ये पूछती है कि तुम बैरी नहीं बल्कि डेनिस हो, लेकिन फिर पकड़े जाने पर केविन खुद की आइडेंटिटी छुपाता है कि वो डेनिस नहीं है और वो बैरी ही है। और डेनिस के कैरेक्टर वही है जिसने फिल्म के स्टार्ट में तीन लड़कियों को किडनैप किया था, लेकिन उसका यहाँ पर प्लान दो लड़कियों को किडनैप करना था, और बच्ची कैसी वो गलती से उसमें फंस जाती है, क्योंकि उनमें से एक लड़की कैरी के फादर मिस्टर बॉनी कैसी को कन्विंस कर लेते हैं कि वो उन लोगों के साथ चले ताकि वो कैसी को उसके घर पर छोड़ दे, और कैसी ऐसे में फंस जाती है। तो अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता चलता कि असल में डेनिस ने उन तीनों लड़की को किडनैप क्यों किया है, लेकिन फिर फिल्म के बीच में ये बात क्लियर करती है डॉक्टर कैलिन डेनिस से ये सवाल कर कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट कहाँ से आया और ये डेनिस की पर्सनैलिटी केविन में जागी कहाँ से। जिसके बाद डेनिस ने ये खुलासा किया कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट कहाँ से आया। जब वो अपना काम कर रहा था उस जू में, तो वहाँ पर कुछ स्कूल ट्रिप वाले बच्चे भी आए थे, जिनमें से एक लड़की ने केविन के हाथ को पकड़कर अपनी टी शर्ट में डाल दिया और हंसकर वहाँ से चली गई। केविन को ये चीज काफी अजीब लगी, जिसके बाद केविन के अंदर डेनिस की एक अलग ही पर्सनैलिटी बन गई, जिसे साफ सफाई के बाद लड़कियों में ही इंटरेस्ट है। इसलिए यहाँ पर लड़कियों को किडनैप करने का काम डेनिस को दिया जाता है ताकि वो उन लड़कियों को सही सलामत अपने ठिकाने पर ले आए। लेकिन डेनिस यहाँ पर उन तीनों लड़कियों को लेकर आकर अमेरिका को बाहर ले जाता है ताकि वो उसके लिए एक नेकेड डांस करे, क्योंकि डेनिस को देखना है कि लड़कियां डांस करती हुई सामने कैसी दिखती है। लेकिन जब कैसी मेरिसा को ये एडवाइस देती है कि वो अपने कपड़े में पेशाब कर दे तो वो उसे जल्दी छोड़ देगा, और ऐसा ही होता है, डेनिस मेरिसा को छोड़ देता है। जिसके बाद कैरली और मेरिसा मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि यहाँ से कैसे भागा जाए। लेकिन यहाँ पर कैसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उन दोनों में कि वो उनकी मदद कर यहाँ से भागे, क्योंकि उसे पता है कि वो लोग अगर ऐसा करेंगे तो इसमें वो लोग पास नहीं होने वाले, क्योंकि डेनिस काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसके एक ही पंच में वो लोग मर भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कैसी को ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता है कि अगर वो लोग इस सिचुएशन में किडनैप हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। वेल, फिल्म में हमें कैसी का भी पास दिखाया जाता है कि बचपन में कैसी अपने फादर के साथ शिकार पर जाया करती थी, जहाँ पर उसके साथ उसके अंकल जॉन भी हुआ करते थे, और उसके फादर उसे शिकार की हर एक टेक्निक सिखाते थे, शिकार कैसे किया जाता है और गन को कैसे रिलोड किया जाता है, हर एक चीज। लेकिन एक दिन कुछ बुरा होता है, तब जब कैसी के फादर सो रहे होते हैं, अंकल जॉन कैसी को बहला फुसला कर जंगल में ले जाते हैं। इस वक्त कैसी 5 साल की थी, जिसके बाद कैसी के अंकल जॉन कैसी को सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, और बचपन में कैसी ने अंकल जॉन को मारने की भी कोशिश की थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और फिर कुछ सालों बाद कैसी के फादर की
डेथ हो गई, जिसके बाद कैसी की कस्टडी अंकल जॉन के पास चली गई। और बचपन से लेकर बड़े होने तक कैसी डर डर कर ही जीती है, क्योंकि हर बार कैसी को यही चीज फेस करनी पड़ती है। इसलिए कैसी ना ज्यादा किसी से बात करती है और ना ही किसी से मिलती जुलती है। यहाँ तक कि स्कूल में भी वो सभी से अलग रहती है, इसलिए लोग उसे काफी अजीब कहते हैं। कैसी की एक अलग ही प्रॉब्लम है, जिसकी डिटेल मैंने आपको दे दी है। तो अब आते हैं केविन पर कि केविन ने असल में उन तीनों लड़कियों को रखा कहाँ पर है। वेल, तो ये एक जू है, जिसकी डिटेल हमें फिल्म के एंड में मिलती है। असल में उन तीनों लड़कियों को जू के अंडरग्राउंड एरिया में रखा गया था, जहाँ पर ज्यादातर तो कोई आता जाता नहीं है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि डेनिस उन पर पूरे एक हफ्ते से नजर रख रहा था, यानी वो यहाँ पर अपने शिकार को चुन रहा था कि उसे किन लोगों को उठाना है। लेकिन डेनिस के प्लान में सिर्फ दो ही लड़कियां थी, और कैसी यहाँ पर कैसे आई उसकी भी डिटेल मैंने आपको आगे दे दी है। तो अब तक तीनों लड़कियों को ये नहीं पता है कि उन लोगों को यहाँ पर क्यों रखा गया है। लेकिन बीच बीच में फिल्म में हमें ये हिंट दिए जाते हैं कि जब लाइट हट जाएगी तो उनके सामने एक बीस्ट आएगा जो उन लोगों को खा जाएगा। और ये डिटेल केविन की पर्सनालिटी में से हैगविंग देता है, जो सिर्फ 10 साल का ही है। और हैगविंग को कैसी बार बार उसकी बातों में उलझाती रहती है, ताकि हैगविंग कैसी की मदद करे यहाँ से बाहर निकलने में। लेकिन अगर हैगविंग ने ऐसा किया तो पैट्रिशा और डेनिस उसे सजा देंगे, और उसे कभी भी लाइट की मदद से बाहर नहीं बुलाया जाएगा। यानी जब भी रोशनी पड़ती है तो केविन एक अलग ही पर्सनैलिटी में चला जाता है। इसकी डिटेल ग्लास फिल्म के ट्रेलर में हमने देखी है कि कैसे केविन अपनी पर्सनैलिटी बदलता है। खैर, उस पर हम बाद में बात करेंगे। जब ग्लास फिल्म रिलीज होगी तब हमें वहाँ पर पता चलेगा कि असल में फिल्म में केविन के कैरेक्टर को लेकर क्या और डिटेल दी गई है। अब आते हैं इस फिल्म पर, जहाँ पर पैट्रिशा का ये प्लान है कि दुनिया में रहने के लिए उन्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हालात बचपन में केविन ने देखे है वो बहुत ही भयानक है, जिसकी डिटेल आपको आगे मिलेगी कि केविन क्यों स्ट्रांग बनने की बात करता रहता है। और अब आते हैं डॉक्टर कैरिन पर, जो दुनिया को ये बताना चाहती है कि मल्टीपल डिसऑर्डर असल में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक अलग खोज है कि इंसान सिर्फ अपनी सोच से क्या कुछ कर सकता है। इंसानों के पास पावर्स भी है, जिसका उन्हें सही टाइम पर आने के बाद ही अंदाजा होता है। लेकिन ये चीज सभी इंसानों में नहीं होती, कुछ चुनिंदा इंसान ही अपनी पर्सनैलिटी अलग अलग रूप में डेवलप कर पाते हैं। तो डायरेक्टर ने यहाँ पर ये चीज काफी अच्छे से एक्सप्लेन की है कि सुपर पावर कैसे आम इंसानों में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम नाइट शयमलन एक अलग ही यूनिवर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये यूनिवर्स है सुपर हीरोज का। और उसी तरीके से केविन को ये चूज करना है कि वो किसकी साइड है, अच्छाई की तरफ या फिर बुराई की तरफ, जिसकी डिटेल हमें फिल्म के एंड में मिलती है। खैर, बात करें बीस्ट की, तो बीस्ट को जगाने के लिए ही तीनों लड़कियों को किडनैप किया गया है, ताकि जब बीस्ट आए तो वो इन तीनों लड़कियों को खा जाए। यानी यहाँ पर तीनों लड़कियों को डेनिस के शौक पूरे करने के लिए नहीं लाया गया था। पैट्रिशा चाहती है कि बीस्ट अब उन्हें प्रोटेक्ट करे, और बीस्ट की पर्सनैलिटी केविन में तब आई जब केविन जू में 10 सालों से काम कर रहा था। यहाँ पर केविन हर एक जानवरों को देख देख कर खुद को स्ट्रांग बनाता चला गया, जबकि हमें पता है कि केविन को डायबिटीज थी। लेकिन अब केविन को डायबिटीज भी नहीं है मल्टीपल डिसऑर्डर्स के कारण, और उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंसानों के पास खुद को हीलिंग करने की पावर भी है। यहाँ तक कि बीस्ट का कैरेक्टर जब आता है तो हमें वहाँ पर ये भी पता चलता है कि बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उस पर गोलियों का असर भी नहीं होता। लेकिन ये सब इंसिडेंट्स होने से पहले जब बीस्ट यहाँ पर आया था तो बीस्ट ने डॉक्टर केविन को मार दिया, क्योंकि डॉक्टर केविन को ये पता चल गया था कि असल में केविन ने यहाँ पर कुछ लड़कियों को किडनैप कर रखा है, जो बिल्कुल ही गलत है। जिसके बाद डॉक्टर केविन को ये भी पता चलता है कि ये सब उनकी ही गलती है, और उन्होंने ही केविन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया कि असल में केविन में कितनी पर्सनैलिटी बदलती जा रही है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बीस्ट आ गया है और बीस्ट ने डॉक्टर केविन को मार दिया है, जिसके बाद बीस्ट जाकर कैरी और मर्सिया को भी मार देता है उन्हें खाकर। लेकिन जैसे तैसे कैसी बाहर निकलने में कामयाब होती है, लेकिन अब उसके पीछे पड़ गया है बीस्ट, जिसके बाद उसे पता चलता है कि अगर बीस्ट को शांत करवाना है तो केविन का असली नाम लेना होगा, जो है केविन वेंडली। और कैसी को ये बात पता चलती है डॉक्टर केविन की मदद से, क्योंकि मरने से पहले डॉक्टर केविन ने केविन का असली नाम एक पर्ची पर लिखा था, जो पर्ची कैसी को मिल जाती है। जिसके बाद असली केविन हमारे सामने आता है और वो कैसी को ये बताता है कि उसने कई महीने पहले एक शॉटगन ली थी, जिस शॉटगन की गन उसकी अलमारी में पड़ी हुई है, वो गन लाओ और मुझे मार दो। जिसके बाद कैसी शॉटगन की एमो लेने के लिए भागती है, और उसके पीछे फिर से बीस्ट आता है। लेकिन इस बार वो उसका नाम लेती है तो केविन वापस नहीं आता है, क्योंकि केविन अब पूरी तरीके से कंट्रोल में है बीस्ट, पैट्रिशा और डेनिस के, और अब कोई भी चांसेस नहीं है कि केविन फिर से लाइट में आए। यानी एक तरीके से हमें दिखाया ये भी जाता है कि केविन बिल्कुल मासूम है। और फिर जब बीस्ट कैसी की तरफ पहुंच जाता है तो कैसी खुद को एक केज में बंद कर लेती है, जिसके बाद बीस्ट सामना करता है कैसी का, और वहां पर उसे शॉटगन की दो गोली लगती है, जिसका बीस्ट पर कोई भी असर नहीं होता। और फिर बीस्ट अपने दोनों हाथों से केज के रॉड्स को टेढ़ा कर देता है, और फिर वो देखता है कैसी को, क्योंकि जब कैसी के कपड़े फट गए थे तो हमें वहां पर क्लियर तरीके से नहीं दिखाया गया था। लेकिन जब फिल्म का एंड का सीन आता है, जहां पर बीस्ट कैसी को देखता है, तो वहां पर हमें पता चलता है कि कैसी पर काफी सारे टॉर्चर्स हुए हैं, और ये टॉर्चर डेफिनेटली कैसी के अंकल ने ही किए हैं, जो उसे अब्यूज करते रहते।
देखते हैं और यही चीज देखकर बीस कैसी को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है ये बोलकर के तुम भी मेरी जैसी हो। यानी शायद कहीं ना कहीं कैसी भी एक अलग पर्सनैलिटी से जूझ रही है जो हमें इस फिल्म में दिखाई गई है। कैसी एक डरी हुई लड़की है जो बस डर कर ही रहना पसंद करती है और जब बचपन में कैसी के कैरेक्टर को दिखाया गया था तो वो अपने फादर की एक ब्रेव गर्ल थी जो किसी चीज से भी नहीं डरती। लेकिन जब उसके साथ वो इंसिडेंस होता है उससे कैसी भी एक अलग पर्सनैलिटी में चली जाती है जो एक डरी हुई लड़की की है। तो शायद फिल्म के एंड में बीस ने कैसी को ये बताकर कैसी के कैरेक्टर को थोड़ा अलग कर दिया है क्योंकि जब कैसी को रेस्क्यू कर लिया जाता है तो वहाँ पर एक ऑफिसर उसे ये कहती है कि उसके अंकल उसे लेने आए हैं। वहाँ पर हमें कैसी थोड़ी बदली हुई लगती है जिसकी कंटिन्यूएशन डेफिनेटली फिल्म के थर्ड पार्ट में ही की जाएगी। और उसके बाद हमें केविन दिखाया जाता है जो कहीं पर छुपा हुआ है जिसे कोई भी ढूंढ ना पाए और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि बीस अब उन लोगों के साथ है और बुरी सिचुएशन आने पर केविन उन लोगों की मदद करेगा यानी उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं केविन के पास्ट की कि केविन इस सिचुएशन में कहाँ से पहुँच गया। वेल बचपन में केविन के फादर की एक ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जिसके बाद केविन देख रेख में रहा उसकी माँ के साथ। लेकिन 2014 में केविन की माँ की भी डेथ हो गई। यहाँ से सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई क्योंकि बचपन में केविन अपनी माँ से तो मार खाता ही था लेकिन उसकी मॉम की डेथ के बाद केविन की देख रेख करने वाला कोई नहीं था। यहाँ पर केविन को सहारा दिया डॉक्टर कैलिन ने जिसके बाद केविन जू में एक नौकरी करने लगा और वहीं पर केविन की अलग अलग पर्सनैलिटी बनती गई। यानी केविन इस स्टेज में उसके फादर की डेथ की वजह से पहुंचा है क्योंकि हालात काफी बुरे हो जाते हैं जब आप पर से आपके पेरेंट्स का हाथ पूरी तरीके से हट जाए। तो शायद केविन अपने फादर के काफी क्लोज था और अपने फादर की मौत से केविन काफी दुखी रहने लगा और ये चीज शायद केविन की मॉम को पसंद नहीं थी। तो यहाँ तक तो ये फिल्म पूरी आसानी से हमें समझ आ जाती है कि असल में फिल्म में स्टोरी क्या दिखाई गई है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब हमें एक रेस्टोरेंट में दो लड़कियां बैठी आपस में बातें करती हुई नजर आती है। वो दोनों कहते हैं जो इंसिडेंट अभी हुआ है ऐसा ही इंसिडेंट 15 साल पहले भी हुआ था लेकिन उस लड़की को वहाँ पर उस इंसान का नाम नहीं पता चलता जिसने ये सब कारनामे किए थे। जिसके बाद हमें वहाँ पर डेविड का कैरेक्टर नजर आता है जिसका रोल प्ले करते हैं विल स्मिथ और वो वहाँ पर उस इंसान के नाम की कंफर्मेशन करते हैं जिसे मिस्टर ग्लास बुलाया जाता है। यानी ये फिल्म सीधे अब जाकर कनेक्ट हो गई एम नाइट शयमलन की फिल्म अनब्रेकेबल से जो आई थी ईयर 2000 में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम नाइट शयमलन सुपर हीरोज का एक अलग ही यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं जो ज्यादातर तो रियलिटी से टच्ड है कि अगर इंसानों के पास सुपर पावर्स हो गए तो वो लोग इस दुनिया में कैसे रहते हैं खुद को छुपाकर। या फिर ज्यादातर तो केस ऐसे होते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके पास ऐसी कोई सुपर पावर्स है। लेकिन अब इस फिल्म की सीरीज के थर्ड पार्ट में हमें वो सारी के सारी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे एम नाइट शयमलन ने इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया है। और रही बात केविन डेविड और मिस्टर ग्लास की तो उनकी डिटेल आपको मेरी आने वाली अनब्रेकेबल फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन में मिल जाएगी जहां पर मैं आपको अनब्रेकेबल फिल्म की पूरी की पूरी स्टोरी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे ये फिल्म जाकर स्प्लिट से कनेक्ट होती है और एम नाइट शयमलन के फ्यूचर के प्लान क्या थे ग्लास फिल्म को लेकर। तो वेट कीजिए उस वीडियो का जिसे मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है स्प्लिट फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन को लेकर उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपने स्प्लिट फिल्म देखी है तो आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।